चुनावी माहौल है, चुनाव नजदीक है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही चुनावी भंवर में अब कूद ही चुके हैं। राजनीतिक जानकारों का ये मानना है कि हर बार की तरह इस बार भी राजस्थान विधानसभा चुनाव में मुकाबला कांग्रेस बनाम बीजेपी ही होने वाला है। दोनों ही पार्टियों में अंदरूनी कलह है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ही कोशिश है कि पार्टी की आंतरिक गुटबाजी को खत्म किया जाए। बीते दिनों में कुछ ऐसी तस्वीरें भी दिखाई दी। शनिवार को जब कांग्रेस संगठन की बैठक हुई तो डोटासरा भी कार्यकर्ताओं को यही संदेश देते नजर आए। इस दौरान जब गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने पिता का उदाहरण दिया तो वो भावुक हो गए। कार्यकर्ताओं को संदेश देते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुन लीजिए। पिताजी की कही हुई बात आज वो इस दुनिया में नहीं है प्रभारी जी, मैं कहना चाहूंगा। मेरे पिताजी ने एक दिन जब अंतिम 2014 में 27 अप्रैल को वो दुनिया छोड़ के चले गए, 2 दिन पहले हम बैठे थे, हमें पता था कि अब क्या होने वाला है। तो मैंने उनको पूछा कि कोई संदेश तो दो हमारे लिए। तो उन्होंने जो कहा मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि बेटा सुख क्या है, मां बाप के लिए सुख क्या है। मैंने कहा आप बताओ। तो प्रभारी जी उन्होंने कहा कि मां बाप के सामने परिवार में झगड़ा नहीं हो और सुबह शाम जब मौका मिले तो मां बाप को पूछ ले कि आपकी तबीयत कैसी है, ये 2 काम जो कर लेगा वो 101% पास है, वही सेवा। वो कह रहे हलवा खिला दो बिदाम का और रात को जब सोने लगे 10 बजे हम लोग नींद आने लगे तब बेटा बहू झगड़ने लग जाए, भाई भाई झगड़ने लग जाए, देवरानी जेठानी झगड़ने लग जाए तो क्या वो हलवा हमारे मां बाप के किसी काम का नहीं। तो मैंने कहा आपको यहां कोई महसूस हुआ कि मैं बहुत खुश हूं कि आज तक मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। ये बात हो सकता है सबके मां बाप कहते होंगे लेकिन मुझे मेरे पिताजी ने जाने के 2 दिन पहले कही थी। तो जिस पार्टी परिवार है, जिस व्यक्ति ने जाकर के नेता को कार्यकर्ता को पूछ लिया कि आपके हाल कैसे हैं, आपके कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि वो पार्टी से जुड़ जाएगा, आपको नेता मानेगा और जिंदगी भर आपका सम्मान करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं होता।